आज मैं आप लोगों के लिए 9th और 11th क्लास का नया सिलेबस 2020-21 का एमपी बोर्ड का लाया हूँ, जो कि आप वेबसाइट इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जैसे मेरे पास ये 9th क्लास का, इसमें विज्ञान में और बाकी में इसमें जो चेंजिंग किया गया है, तो विज्ञान में कोई इसमें चेंज नहीं किया गया, बाकी सब्जेक्ट में चेंज किया गया। तो उसको आप वेबसाइट इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैं इसमें मैथ सब्जेक्ट का देख रहा हूँ, इसमें कौन सा चैप्टर कम किया गया है, तो इसमें देख रहे हैं ये क्लास 9 का मैथ्स का, इसमें 4 चैप्टर कम किए गए हैं। इसमें से पहला संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, दूसरा दो चर वाले रैखिक और सांख्यिकी, और पांचवा है यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, और नौवां इसमें समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल। इसको मतलब कि इसको बुक्स उसको मैच कर सकते हैं। जो पहला चैप्टर इसमें है ये जो संख्या पद्धति, ये कम हुआ है इसमें से। इसके बाद जो दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये यहाँ पर सांख्यिकी समीकरण होना चाहिए, सांख्यिकी इसमें मिसमेंट हो गया, ये समीकरण यहाँ होना चाहिए। तो इसमें जो दिया हुआ है ये दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये कम हुआ है इसमें से। इसके बाद जो इसमें जो तीसरा पॉइंट है, ये पाँचवा यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय, ये पाँचवा चैप्टर, ये कम हुआ है। इसके बाद जो समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों का क्षेत्रफल है, ये चैप्टर 9, ये कम हुआ इसमें से। इसके बाद हम इसमें हम 11th क्लास का देख रहे हैं, 11th क्लास का मैथ्स का क्या इसमें कम हुआ है। ये 11th क्लास में ये चैप्टर कम हुए गणित में, पहला संबंध एवं फलन, दूसरा गणितीय आकलन का सिद्धांत, और रैखिक, तीसरा रैखिक समीकरण, और ये गणितीय विवेचन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग, इसको इसमें देख सकते हैं। ये दूसरा चैप्टर संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। अगला जो इसमें है ये गणितीय आगमन का सिद्धांत, यानी एक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके बाद जो कम हुआ इसमें आठवां लीनियर इनइक्वालिटीज यानी रैखिक समीकरण। इसके बाद ये बीसवां चैप्टर गणितीय विवेचन यानी मैथमेटिकल रीजनिंग, ये चैप्टर इसमें से कम हुए हैं। इसके बाद इसमें जो है, मैंने पिछले वीडियो मैंने 12th क्लास इसमें सिलेबस का बताया जो कम हुआ था इसमें, तो मैंने उसमें CBSE पैटर्न का भी बताया था, लेकिन जो एक्चुअल में जो कम हुआ इसमें चैप्टर 12th क्लास मैथ्स में, वो दो चैप्टर कम हुए हैं। दो चैप्टर इसमें से हैं ये वेक्टर सदिश बीजगणित, और ये थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री ने त्रिकोणमितीय ज्यामिति के, दो चैप्टर कम हुआ है जिसमें। यदि देखना चाहें इसको हम यहाँ, ये तो वेक्टर एंड थ्री डायमेंशन ज्योमेट्री, ये दो चैप्टर इसमें से कम हुए हैं ये वाले, बाकी चैप्टर इसमें रहेंगे। तो यहाँ से देख सकते हैं ये इसमें दिया हुआ है 12th चैप्टर सदिश बीजगणित, सदिशों के गुणनफल या त्रिकोणमितीय ज्यामिति, त्रिकोणमितीय ज्यामिति 3D के अंदर ये भी चैप्टर आते हैं, प्लेन भी आता है, सरलरेखा भी आती है, सभी नहीं है, बाकी चैप्टर इसमें रहेंगे। तो ये पोर्शन थ्री, ये चैप्टर थे जो कि इसमें से कम हुए हैं, और इससे संबंधित यदि कोई जानकारी मुझे प्राप्त होती तो मैं आप लोगों को जानकारी वो शेयर करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।